अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्राईजेमिनल नर्व की जो है एग्जामिनेशन या टेस्ट हम किस तरह कर सकते हैं। और ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ट्राईजेमिनल नर्व सेंसरी सप्लाई भी देती है और मोटर सप्लाई भी देती है। सेंसरी सप्लाई ये देती है फेस को और मोटर सप्लाई ये देती है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, जो कि हैं मैसेटर और टेम्पोरलस। ट्राईजेमिनल नर्व को एक हम सेंसरी के लिए चेक करते हैं, सेंसेशंस ओवर द फेस मोटर के लिए चेक करते हैं, ठीक है, जो चेक करते हैं, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी की। सेंसरी को हमने किस तरह चेक करना है, हमें पता है कि ट्राईजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेज हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। हमने क्या करना है, पेशेंट से कहना है अपनी आइज़ क्लोज करें, उसके बाद हमने कॉटन लेनी है, कॉटन लेके पेशेंट की इन तीनों जगहों के ऊपर जो है टच करना है, ठीक है, मींस अराउंड द जॉ लाइन टच करना है, चीक्स पे टच करना है, फोरहेड पे टच करना है, ठीक है। इस तरह तीनों ब्रांचेस को हम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद पेन की सेंसेशन को चेक करने के लिए हम पिन की मदद से इन तीनों जगह पर टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने टेम्परेचर को चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, एक के अंदर गर्म पानी डालेंगे और एक के अंदर ठंडा पानी डालेंगे, और उसके बाद हम पेशेंट की ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो है जगहों के ऊपर जो है वो टेस्ट ट्यूब रखेंगे और उससे पूछेंगे कि उसको ठंडा फील हुआ या गर्म फील हुआ, इस तरह हम उसकी सेंसेशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर की। उसके बाद मोटर में हमने क्या करना है, पेशेंट से कहना है कि वो अपने टीथ को क्लेंच करे, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने टीथ को क्लेंच कर लेगा तो हमने उसके जो मैस्टर मसल्स हैं और जो टेम्पोरलस मसल्स हैं उनके बल्क को ऑब्जर्व करना है और पालपेट करना है। उसके बाद हमने पेशेंट से कहना है कि वो अपना मुंह खोले और हम उसके माउथ को रजिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जो जर्क। जो जर्क में हमने क्या करना है कि हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को पेशेंट की चिन के ऊपर रखना है। उसके बाद जो हमारी इंडेक्स फिंगर पेशेंट की चिन के ऊपर है उसके ऊपर हमने हैमर से स्ट्राइक करना है। जैसे ही हम हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो स्लाइड प्रोट्रूजन हो जाएगी जॉ की। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। कॉर्नियल रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के लिए हमने पेशेंट को बिठा देना और उसे कहना है कि वो अपनी आइज़ ओपन रखे, ठीक है, और साथ में स्ट्रेट देखे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके कॉर्निया को किसी स्टेराइल कॉटन वूल से टच करना है। जैसे ही हम उसके कॉर्निया को टच करेंगे कॉटन से तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि उसके आईलिड्स की शटिंग हो जाएगी। ये थी हमारे पास ट्राईजेमिनल नर्व की एग्जामिनेशन।